खाजा इजहार उल हसन पर हमले में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ कराची पुलिस का एक्शन। कोयटा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, चार दहशतगर्द हलाक। एसएसपी मलीर राव अनवार का दावा, पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का सिलसिला जारी। की तनेज फातिमा सोसाइटी के करीब भी मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग से एक अहलकार शहीद, एक जख्मी, दहशतगर्द फरार। पुलिस और रेंजर्स का इलाके में सर्च ऑपरेशन, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तनेज फातिमा सोसाइटी के करीब से फरार दहशतगर्द की शनाख्त, दहशतगर्द अब्दुल करीम कराची यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स का तालिब इल्म था। पुलिस ने अब्दुल करीम के घर से वालिद समेत तीन अफराद को हिरासत में ले लिया। अब्दुल करीम की गिरफ्तारी के लिए डिफेंस में छापा, कलदम तंजीर का कमांडर पकड़ा गया। वजीर आला सैंदर सैयद मुराद अली शाह के ख्वाजा इजहार उल हसन के घर आमद, खैरियत दरियाफ्त की, कहा ख्वाजा इजहार पर हमला करने वाले इलाके के नहीं थे, न ही मनसूबा इस शहर और सूबे में बना। MQM रहनुमाओं को मजीद सिक्योरिटी फराहम करेंगे, हम सबको मिलकर दहशतगर्दी का हल ढूंढना होगा। ये जो हमलावर थे वो इस इलाके के नहीं थे, वो ये जो प्लान बना होगा इस मोहल्ले में नहीं बना होगा, मेरा ख्याल है इस शहर में भी नहीं बना होगा, इस सूबे में भी नहीं बना होगा। मुझ पर हमला स्ट्रीट क्राइम नहीं, दहशतगर्दी का वाकया था। वाकया के मास्टरमाइंड को शिकस्त देना ही असल कामयाबी है। ख्वाजा इजहार उल हसन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है हुकूमत दहशतगर्दों को बेनकाब करेगी। कलेक्टिव सूबे में एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है सीएम साहब की सरबराही में, ताकि जो माइंडसेट ऐसे शिकस्त दी जाए, वाकयात के तो मुलजमान गिरफ्तार हो जाएंगे लेकिन वाकयात के जो मास्टरमाइंड हैं उन्हें शिकस्त देना कामयाबी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का सिलसिला थम ना सका, जिला बारामूला में भारतीय फौज ने दो कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा वादी में एहतजाज, काचपुतले इंतजामिया ने बारामूला, कपवाड़ा और बांदीपुरा में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी। रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम जारी, म्यांमार हुकूमत ने अकवामे मुत्तहिदा की इमदाद भी बंद कर दी। मलाला यूसुफजई की मजम्मत, कहा मुसलमानों का कत्लेआम रोका जाए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली में तहरीक इल्तवा भी जमा करा दी। मुसलमानों पर मजालिम का मामला ऐवान में जेर बहस लाने का मुतालबा किया है। हाइड्रोजन बम का तजर्बा, अमरीका ने शुमाली कोरिया को खबरदार कर दिया। वजीर दिफा जेम्स मैटिस कहते हैं कि खतरा महसूस हुआ तो भरपूर फौजी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान, जापान और चीन समेत दीगर ममालिक के भी शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बों की मजम्मत। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। मुल्क भर में ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी मवेशियों की कुर्बानी, भलवाल में इज्तमाई कुर्बानी का अहतमाम। कराची समेत बेशतर शहरों में आलाइशों के ढेर, ताफुन और गंदगी से आवाम परेशान। कुर्बानी के बाद अब है सैरो तफरी का मरहला, शेखपुरा समेत मुल्क भर में लोगों ने तफरी मकामात का रुख कर लिया। दरियाए चना बाहु ब्रिज पर कश्ती की सैर से ईद की खुशियां दोबाला, मारगला की पहाड़ियों पर हाइकिंग का मजा, कराची में सी व्यू पर भी लोगों का रश। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कल लंदन के लिए रवाना होंगे, बेगम कुलसूम नवाज की इयादत करेंगे। वायरस खैबर एजेंसी तक पहुंच गया, तहसील वाड़ा में एक और केस सामने आ गया। 11 साल लड़के में डेंगू वायरस की तस्दीक, मुतासर अफराद की तादाद 7 हो गई। पाकिस्तान नजात बरतानवी बॉक्सर मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान में बॉक्सिंग के फरोग के लिए सर